पिता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थावरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र महर्ति। ये मनुस्मृति का श्लोक हमारे सर पर उन्होंने रखा था कि पति के छाया में, पिता के छाया में और बेटे के छाया में ही स्त्री ने अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। नई संसद जो बांधना शुरू कर दिया है सेंट्रल विस्टा, उनका ब्रीद वाक्य है नई संसद नया संविधान। और ये नया संविधान कौन सा होगा वो मनुस्मृति के आधार पर हमारे ऊपर फिर एक बार वो सौंपने का काम वो करने वाले है। और संसद में बोलने वाले लोगों के क्या हाल बनाए रखे हैं, जैसे हमारे शरद जी है, जैसे लालू प्रसाद यादव है, जो बात करते थे आँख में आँख डालकर उनको घर में बिठाया गया है। और आज संसद, जैसे लोहिया ने कहा था, जब जब सड़कें वीरान होती है तो संसद देश की आवारा बन जाती है। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम का जिन्होंने संचालन किया है, रखा है, वो हमारे सभी साथी सुनील भाई, हमारे लाल रत्नाकर जी, सविता जी और सभी साथियों। मैं बीच में आपके दो मिनट बात करूंगी। 1882 में हंटर कमीशन के सामने जब ज्योतिबा फूले शूद्र अतिशूद्र इन लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, प्राइमरी मातृभाषा में जो अपनी मादरी जबान होती है उसमें शिक्षा की मांग उन्होंने की थी, उस वक्त लोकमान्य तिलक इसी देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर माने जाते हैं, उन्होंने आईएएस की परीक्षा भारत में नहीं, प्रदेश में नहीं, भारत में होनी चाहिए। मतलब दो सवाल दो खेमे कैसे थे, एक खेमा था आईएएस की परीक्षा भारत में, सवाल क्या था उनका, प्रॉब्लम क्या था, एजुकेशन था उनको, आईएएस यहाँ होने नहीं आता था इसलिए आईएएस की परीक्षा भारत में लो। फूले कहते थे शूद्र अतिशूद्र जो लोग हैं इस देश के वो शिक्षा नहीं ले सकते, उनको पढ़ाने का आप अपने दादी को जाकर बोलो जो इंग्लैंड में सात समंदर के पैलोर अपनी सत्ता हमारे भारत में करती है, उसको जाकर आप बोलो। ये फूले ने मांगा उसी समय, उसी हंटर कमीशन के सामने ये पंडिता रमाबाई ने महिलाओं को भी शिक्षा में शामिल करो ये मांग उठाकर यहाँ पर हमारे महिला को अधिकार देने की बात उस वक्त की थी, जो किसी ने भी वो बात नहीं छेड़ी थी वो रमाबाई ने और ज्योतिराव फुले ने छेड़ी थी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मनुस्मृति का संविधान उस वक्त हमारे देश में चलता था और उस मनुस्मृति के संविधान के तहत पिता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थावरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र महर्ति। ये मनुस्मृति का श्लोक हमारे सर पर उन्होंने रखा था कि पति के छाया में, पिता के छाया में और बेटे के छाया में ही स्त्री ने अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता का उपभोग लेने में स्त्री असमर्थ है। ये झूठ हमारे ऊपर सौंपने का काम ये मनुस्मृति ने किया था। मैं रमाबाई के बारे में बहुत सारे वक्ता यहाँ बोलेंगे, मैं प्रोफेसर हूँ हिस्ट्री की इसलिए मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा विषय थोड़ा बाजू को रख कर बोलूँगी कि आज भी मनुस्मृति का खौफ कम नहीं हुआ है, उल्टा वो बढ़ते जा रहा है। फिर एक बार हमारे सामने मनुस्मृति का संविधान 2024 के बाद लाने की कोशिश होने वाली है, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी। और उनको संसद नहीं चाहिए, जो आज सत्ता में बैठे हैं उनको धर्म संसद चाहिए। आपने हरिद्वार में देखा होगा साधु संतों का नाच, जो उन्होंने नंगा नाच किया वहाँ पर, वो आप सबने देखा होगा टीवी पे मीडिया में।
तो मैं आपको बताना चाहूंगी, नई संसद जो बांधना शुरू कर दिया है सेंट्रल विस्टा, उनका ब्रीद वाक्य है नई संसद नया संविधान। और ये नया संविधान कौन सा होगा, वो मनुस्मृति के आधार पर हमारे ऊपर फिर एक बार वो सौंपने का काम वो करने वाले है। हम सब अगर पढ़े लिखे लोग हैं बाबा साहब के व्याख्या में, तो हमको सबको सतेज रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अगर हम सतेज नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास दोहराया जाता है। और इतिहास अगर नहीं दोहराना चाहते हो तो अपने को केवल शिक्षित होकर नहीं चलेगा, अपने को उस शिक्षा के तरह लोगों को जागृत करने का भी काम अपने को बहुत बड़े तौर पर करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पर आपको बताना है। साथियों, बहुत सारे हमारे सामने क्रिटिकल पोजीशंस आज देश में तैयार हो रहे हैं, और संसद में बोलने वाले लोगों के क्या हाल बनाए रखे हैं, जैसे हमारे शरद जी है, जैसे लालू प्रसाद यादव है, जो बात करते थे आँख में आँख डालकर उनको घर में बिठाया गया है। और आज संसद, जैसे लोहिया ने कहा था, जब जब सड़कें वीरान होती है तो संसद देश की आवारा बन जाती है। आज देश की संसद आवारा बनने के कदार पे खड़ी है। ऐसे समय में पंडिता रमाबाई के 100 वर्ष मरने के बाद हम इस छोटे से हॉल में मंथन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक साल भर पूरा सभी तरफ इनका जो जज्बा है, इन्होंने जो काम किया है उस जमाने में, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने भी लिखा है, उन्होंने भी ये व्यक्त किया है अपने किताब में। उच्च वर्णीय जो महिलाएं थी, ब्राह्मण महिलाएं थी, उनके इतनी हैरेसमेंट किसी की भी नहीं हुई है। हमारे महिला की हैरेसमेंट नहीं हुई है, जो किसानी महिला थी, जो शूद्र महिला थी, वो तो पति मरने के बाद भी खेत में 10वें दिन जाती थी। 10 दिन कैसा तो भी वो घर में बैठती थी, 10वें दिन वो खेत में जाकर अपना काम करती थी, जोतती थी। मदर इंडिया सिनेमा अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, वो मदर इंडिया हमारे ग्रामीण महिला का ही चित्र उसमें उन्होंने रखा है कि पति छोड़कर चला गया तो गया, लेकिन दो बच्चों को लेकर वो मदर इंडिया काम करती है, किसान महिला, इसीलिए वो अपने पैर पे खड़ी है। लेकिन जो ब्राह्मण महिला को अपाहिज बना के रखा था, चार दीवारी में उनको रखा था, बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया रखा था, इसी ही काम में इनको लगाया रखा था, इनको एजुकेशन का कोई संधि ही नहीं था। इसलिए सावित्री ने कहा, शिक्षणाने मनुष्यत्व येते पशुत्व हटते। शिक्षा अगर पाई तो इंसान जानवर होता है ना बगैर शिक्षा का, तो जब शिक्षा उसको मिलती है तो वो इंसान बनने के लायक बनता है। ये अखंड सावित्री ने हमको दिया, जो ज्योतिबा ने फिर बाद में वहाँ भी दिया कि विद्ये विना मति गेली, मति विना गति गेली, गति विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खचले, हे सगळे अनर्थ एका अविद, अशिक्षित है, अन्नाड़ी है, इसलिए तुम्हारा सत्यानाश हो गया, ऐसा फुले ने वहाँ जब कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि सावित्री बाई, रमाबाई और ये जो महिलाएं, मॉडर्न इंडिया की जो जो महिलाएं हैं, सबसे ज़्यादा फेमिनिस्ट अगर हम स्त्रीवादी किसको बोलेंगे तो वो पंडिता रमाबाई थी। इतना कहकर मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।